हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम आज बना रहे हैं मटर और फूलगोभी का तहरी। तो हमने एक प्याज काट कर लिया है ऐसे लंबे लंबे, और थोड़ा सा खड़े मसाला ले लिया। इसमें फोड़न में डालेंगे, और चार पीस गोभी लिया, ज़्यादा नहीं, इसको काट कर लिया। और एक कटोरी मटर लिया, एक कटोरी भी चावल भी ली मैंने, और थोड़ा सा लहसुन अदरक और दो हरी मिर्ची लिया। इसको कूट लेंगे दरदरा सा करके। और चलिए मैं रखती हूँ कढ़ाई नहीं सॉरी कुकर में बना। मैंने हाई फ्लेम में कुकर रख दिया, कुकर में धुआं निकल रहा है। अभी उसमें सरसों की ऑयल में बनाऊँगी और ऊपर से घी डालूँगी। तो मैंने 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो किसी कोई भी ऑयल, घी, देसी घी में भी बना सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें खड़े मसाला। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हल्का सा। और इसमें मैंने दरदरा करके कूट लिया अदरक लहसुन और प्याज भी साथ में डाल देंगे इकट्ठे। बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। सर्दी के टाइम है अभी तो, फ्रेश मटर आ रहा है, आप भी बना के खाइएगा। और मैं फ्राई कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसे कच्चे डालूँगी सारे गोभी मटर सब। प्याज और बाकी मसाला वो भून गया है, इसमें हम डाल देंगे गोभी। 4 टुकड़े गोभी डाला मैंने, ज़्यादा नहीं, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई कोई आलू भी डालता है। और ये एक कटोरी मटर डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, नमक चेक कर लीजिएगा प्लीज़। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा 2-3 बार मटर और गोभी को इसको चला लेंगे। और नमक मिर्ची अलग से मैं नहीं डाल रही हूँ, आपको चाहिए तो डाल सकते हैं। और मैं ये वाला कटोरी में 1 कटोरी चावल भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, तो धो के मैंने छान लिया इसको अच्छा से। और मैं जिस कटोरी में चावल लिया उसी कटोरी में 1.5 कटोरी पानी डालूँगी, और हाई फ्लेम में रखेंगे। गरम पानी डाल दिया तो फटाफट सीटी आ जाएगा इसमें। और ना हल्दी डालूँगी ना मिर्ची डालूँगी, ना नॉर्मल मिर्ची। तो अभी इसको 1 सीटी दिला देते हैं। कुकर में एक बिसी लग गया था, इसको 5 मिनट रहने दें ऐसे। 5 मिनट के बाद थोड़ा सा फिर और थोड़ा बहुत विसिल से, फिर बाद में 2 मिनट बाद खोल के देख लेते हैं इसमें। देखिए कितना फर्स्ट क्लास बन गया है, एकदम बढ़िया। तो इसमें आप देसी घी डाल सकते हैं जिन्हें पसंद है, नहीं तो ऐसे भी सब कर सकते हैं। इसके साथ दही और अचार जो भी पसंद है, रायता के साथ आप सर्व करिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।